नमस्कार। हम आज विलियम शेक्सपियर के सॉनेट नंबर 116 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके पहले कि हम इस सॉनेट को एक्सप्लेन करना शुरू करें, आइए हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इस सॉनेट जैसा कि टिपिकल शेक्सपियरियन सॉनेट है ये, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है, तो इसमें भी हम देखते हैं हमने रेड मार्क किया हुआ है और 1, 2, 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पोर्शन इज द फर्स्ट क्वार्टरन नंबर 1, सेकेंड पोर्शन इज क्वार्टरन नंबर 2, थर्ड पोर्शन इज क्वार्टरन नंबर 3 एंड एट लास्ट वी हैव द कपलेट हियर। तो इस सॉनेट जो कि जिसकी संख्या 116 है, ये सॉनेट लव के बारे में है। इसका थीम ट्रू लव है, इसलिए इस सॉनेट को ट्रू लव के सब टाइटल्स के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके पहले कि हम ये एक्सप्लेन करना शुरू करें, हो सकता है द मेथड ऑफ माई रिप्रेजेंटेशन आ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सच सॉनेट इन हिंदी इज नॉट वेरी मच बेनिफिशियल और मे नॉट बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो उनके लिए हिंदी में उतना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो ये जान सकते हैं कि इस सॉनेट को उनके स्टूडेंट्स के सामने, वो अपने स्टूडेंट के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर दैट आई थिंक दे शुड वॉच दिस वीडियो राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। और जहाँ तक बीए कोर्सेज को परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके लिए वो देखें, दे मे गेट सम कंसेप्ट, दे मे गेट सम ओपिनियन, उन्हें कुछ इसके ओपिनियंस मिल सकते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन कैसे किया सकता है ये उनको पता लग सकता है, क्या इसका थीम है ये उनको बेहतर ढंग से पता लग सकता है अगर वो इसे ध्यान से देखे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले आइए हम इस लाइन को पढ़ते हैं वर्ड फॉर वर्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव व्हिच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, are bent with the remover to remove, and it is an ever fixed mark that looks untempest and is never shaken, it is a star to every wandering bird whose words are known although his height be taken. Love's not love, love's not time's home, though rosy lips and cheeks within his bending circles compass come. Love alters not his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me prove, I never reach, nor man ever loved. Let me not to the mires of two minds admit impediments. इसको और सरल ढंग से समझने के लिए हम वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे, जो कि हम लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, और ज्यादा इजी हो जाएगा इसको समझना। तो लेट मी नॉट admit impediments to the marriage of true minds. अगर इस तरह अरेंज करते हैं कितना इजी हो जाता है, आइए हम देखते हैं। लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स मीन्स कभी कह रहा है
कि मुझे स्वीकार नहीं करनी है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक्सेप्ट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स मीन्स ऑब्स्टेकल्स, हर्डल, बाधा। तो लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। बाधा नहीं स्वीकार करनी है किसमें? टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज का लिटरल मीनिंग ऑफ कोर्स इट इज शादी, लेकिन यहाँ पे मैरिज का जो फीलिंग्स है, मैरिज का जो भाव है, वो है यूनियन, द मिंगलमेंट, द मिंगलमेंट। माइंड्स शब्द यहाँ पे मन से है, ना कि दिमाग से। माइंड शब्द का अर्थ मन, हार्ट, ट्रू माइंड्स, ट्रू हार्ट्स आर द पर्सन्स ऑफ ट्रू हार्ट्स, लॉयल हार्ट्स, वफादारी जिसको हम कहेंगे। कवि पहले लाइन में एक तरह से एड्रेस कर रहा है, और ऐसा लग रहा है वो किसी किसी से कह रहा हो कि मुझे सच्चे हृदय के मिलन में किसी भी तरह की बाधा को स्वीकार नहीं करनी है। इसका मतलब सीधे से ये कहना चाह रहा है कि कवि और वो व्यक्ति जिसे वो संबोधित कर रहा है, both of them will have to be determined in term of their relationships, both of them will not have to surrender, will not have to accept any kind of hurdle, obstacles that may occur, that may come into their लाइफ। दे हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि कवि पर्सनल वे में एड्रेस तो कर रहा है, बट इनडायरेक्टली इट इज एड्रेसिंग टू द इश्यू ऑफ ट्रू लव एंड ट्रू लवर्स। तो इसलिए हम इसको पर्सनली कवि के से रिलेटेड ना लेकर के हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि वो उन ट्रू हार्ट्स को, उन ट्रू पर्सन्स को एड्रेस कर रहा है, या ट्रू लवर्स के फीचर्स को बारे में बता रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करनी होगी, किसी भी प्रकार की बाधा के सामने सरेंडर नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? ये दिस इज द मेन थॉट दैट ही रिप्रेजेंट्स। नाउ अब वो क्या कह रहा है? लव इज नॉट लव, लव इज नॉट लव। अब वो ट्रू लव के बारे में बता रहा है कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स, अल्टर्स मीन्स चेंज, अल्टर्स मीन्स चेंज, बदलना। तो लव इज नॉट लव विच अल्टर्स, वो प्रेम प्रेम नहीं होता है, विच अल्टर्स जो बदल जाता है, जो चेंज हो जाता है। कब? वेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जब ये किसी भी ऐसे कॉजेस को सामने पाता है, ऐसे कारण को सामने पाता है जो इसे चेंज करने के लिए कंपेल करते हैं, और अगर ये बदल जाता है, अगर वो प्रेम बदल जाता है, तो दैट इज नॉट ट्रू लव। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। व्हाट डज द पोएट मीन हियर? दैट लव इज नॉट ट्रू, दैट लव डज नॉट हैव द लॉयल्टी इन इटसेल्फ व्हेन इट अंडरगोज द चेंजेस बिफोर the causes of the changes, before some objects that try to change it। इसलिए
ये परिवर्तित कर देने वाले कारण को जब ये पाता है और ये परिवर्तित हो जाता है तो दैट ट्रू लव इज नॉट ट्रू लव। अब इसी ट्रू लव के फीचर्स को और आगे एक्सप्लेन करते हुए वो बोलता है, कभी कहता है आर बेंड्स विद द रिमूवर्स टू रिमूव बेंड्स। बेंड्स का बेंड का शाब्दिक अर्थ होता है झुकना, मुड़ना। मुड़ना और झुकना को हम ना समझ के हम ये कहेंगे सरेंडर, सरेंडर। सरेंडर मीन्स जो एकदम से समर्पण कर दे अपने आप को, जो फर्मनेस को खो दे, जो टफनेस को खो दे। तो आर बेंड्स विद द रिमूवर, रिमूवर, रिमूवर। रिमूव मीन्स हटाना, रिमूवर मीन्स हटाने वाला, हटाने वाला कहें या मिटाने वाला कहें। इनडायरेक्टली पर ये कहना चाह रहा है कि दैट लव इज नॉट ट्रू लव, वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है जो सरेंडर कर जाता है, जो झुक जाता है किसी भी ऐसे कॉजेस के सामने, किसी भी ऐसे कारण के सामने जो इसको मिटाने वाला हटाने वाला होता है, जो इसको मिटाने हटाने के लिए होता है उसके सामने लव अगर सरेंडर कर जाता है दैट कैन नेवर बी कॉल्ड द ट्रू लव। सो इन अदर वर्ड वी विश दैट द पोएट वॉन्ट्स टू पॉइंट्स आउट दैट दैट फीलिंग ऑफ लव कैन नेवर बी कॉल्ड ट्रू इन इट सेल्फ, दैट सरेंडर बिफोर समवन और बिफोर समथिंग विच ट्राइज टू रिमूव दैट, विच ट्राइज टू अनडू द फीलिंग ऑफ लव, सो दैट लव इज नॉट ट्रू लव। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, देन ही मेक इट मोर क्लियर, देन ही पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ ट्रू लव मोर क्लियरली। और उसके बारे में क्या बताता है, फिर ये ट्रू लव है क्या? ओ नो, ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। अब वो ट्रू लव के लिए एक नया एडजेक्टिव यूज कर रहा है, एवर फिक्स्ड मार्क। व्हाट इज द ट्रू लव? इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड जो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहे, स्थित रहे। मार्क का लिटरल मीनिंग होता है पहचान, मार्क के लिटरल मीनिंग पहचान। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ट्रू लव को क्या कहता है। ओ नो, व्हाई डज ही यूज द वर्ड ओ नो एपोस्ट्रोफी हियर? शुरू में बताता है कि ट्रू लव क्या नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट टू लाइंस में बताता है कि उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं स्वीकार करनी चाहिए। फिर उसके बाद बताता है कि ट्रू लव क्या नहीं है। तो इस क्वाड्रेंट में वो बता रहा है कि ट्रू लव है क्या, इस तरह से वो और इलैबोरेट कर रहा है अपने कंसेप्ट ऑफ लव को। कहता है इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये एक ऐसा पहचान चिन्ह की तरह होता है जो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा एक रूप में रहता है। और उस मार्क के बारे में और एक्सप्लेन करते हुए कहता है दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, इट इज द स्टार्ट द एवर वैंडरिंग बार। लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है तूफान, तूफान, स्टॉर्म,
tumult. These are the figurative languages actually, metaphor, that looks on tempest. एक ऐसे पहचान चिन्ह की तरह होता है जो दिखाई पड़ता है तूफान में भी, and is never shaken, and is never broken. तो ऐसा पहचान चिन्ह जो तूफान में भी दिखाई पड़ता है, जो कभी टूटता नहीं है, that stands even in the adversity. तो इस टेम्पेस्ट को और हम एक्सप्लेन करते हैं. टेम्पेस्ट मीन्स यहाँ पर होता है विपरीत परिस्थितियाँ, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, दैट में क्रिएट हर्डल, दैट में पुट डिफिकल्टी फॉर द टू लवर्स. सो द फीलिंग ऑफ टू लव एवर रिमेन्स, एवर सस्टेन्स इट्सेल्फ इवन इन एडवर्सिटीज. तूफानों में भी ट्रू लव, विपरीत परिस्थितियों में भी ट्रू लव कायम रहता है. इसीलिए पोएट ने इसे ऐसा मार्ग कहा है, एवर फिक्स्ड मार्ग, जो कि हर परिस्थितियों में दिखाई पड़ता रहता है और कभी भी नहीं टूटता है. देन यूज अदर मेटाफर. फिर उसके बाद एक और मेटाफर यूज करता है ये दिखाने के लिए ट्रू लव वास्तव में कितना गहरा होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं. तो he calls it the star. अब कहता है कि this is the star to every wandering bard. Bard here stands for sick. Wandering means astray, भटके हुए, जो रास्ता भूल चुके हैं. बार्शिप, इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार. इट स्टैंड्स फॉर ट्रू लव. ट्रू लव कैसा होता है? उस तारे के समान होता है जो भटके हुए समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाता है. एंड व्हाट इज दैट स्टार? दैट स्टार इज पोलर स्टार, ध्रुव तारा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है. और सिर्फ चूंकि ओशन में होता है तो इन ओशन द डायरेक्शन कैन नॉट ईजली बी फाउंड आउट. तो दिशा भटकते हुए समुद्री जहाजों को या समुद्री यात्रियों के लिए ये उस तारे के समान होता है जो उन्हें रास्ता दिखाता है. तो हम यहाँ इस भटके हुए सिप को इस रूप में भी जान सकते हैं, दैट द ट्रू लव इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हू आर रियली कंफ्यूज्ड. दे गेट द रियल मीनिंग ऑफ लव, दे गेट द रियल फीचर्स ऑफ इमोशंस ओनली टू दोज हु लव ईच अदर मोस्ट लॉयली. सो ट्रू लव के फीचर्स रूप में ये कवि ने बताया है. और उस स्टार जिसके लिए कहा है हूज वर्थ इज अननोन ऑल्दो इज हाइट, वो पोलर स्टार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भटके हुए शिप के रूप में, जिसकी ऊंचाई तो मानी जा सकती है, ऊंचाई को तो निकाला जा सकता है, लेकिन जिसकी कीमत को नहीं जाना जा सकता. कीमत को ना जानने का मतलब यह है कि इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, बट ए यू मे से एन एस्ट्रोनॉमर
ask someone who tries to calculate the height of that star may be successful. Can find out the height of that star. लेकिन जहाँ तक उसकी कीमत उसकी वैल्यू की बात है उस पोलर स्टार को की भटके हुए जहाज़ों के लिए तो उसे नहीं आका जा सकता, उसे एक सीमित मेजरमेंट में नहीं निकाला जा सकता. द सेम वे द पोएट वांट्स टू से दैट द फ्यूचर द टूला एंड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय द पीपल इन दिस वर्ल्ड दो इट goes on inspiring the people. ये inspire करता रहता है लोग, इसके महत्व को आप नहीं सकते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में सबको प्रेरित करता रहता है. तो this is the feature of Tula. तो third quatrain है, अब ये इसमें बताता है कि किस तरह से जो physical appearances होते हैं are the most of the objects in this world are definitely to be spoiled with the passage of time. समय के साथ साथ सारी चीजें नष्ट हो जाते हैं. समय को मोस्ट माइटी माना गया है, लेकिन ट्रू लव को क्या कहा है कवि, लव्स नॉट टाइम्स फूल. टाइम्स फूल टाइम्स फूल है, इसको हम इस तरह समझेंगे, इट इज नॉट लाइक सम हेल्पलेस क्रिएचर और इट इज नॉट लाइक ए थिंग दैट क्विकली कम अंडर द इफेक्ट ऑफ टाइम. समय के प्रभाव में जो जल्दी आ जाता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो फिजिकल चार्म हो, उनको टाइम्स फूल कहा गया है, जो समय के प्रभाव में जल्दी से आ जाए, तो समय से जल्दी प्रभावित हो जाए. लेकिन लव के बारे में क्या करें, लव इज नॉट टाइम्स फूल. दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कम, बेंडिंग सिकल्स कम, बेंडिंग सिकल्स एक बार फिर से मेटाफर के रूप में यूज किया गया है. बेंडिंग सिकल्स, सिकल्स कहते हैं एक प्रकार का यंत्र होता है जिसे कहा जाता है हंसिया, दैट हेल्प समवन टू रीप द क्रॉप्स. तो समय को यहाँ पे एक अलग मेटाफर दिया गया है, जो समय अपने दायरे में सारी चीजों को ले लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे काट देता है, उसके अस्तित्व को मिटा देता है. लेकिन ट्रू लव के बारे में क्या कहा है कि लव इज नॉट टाइम्स फूल, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन इट्स बेंडिंग सिकल्स कंपास कम. कंपास मींस हियर रेंज, कंपास मींस रेंज दायरा, बेंडिंग बुढ़ापा. समय से न प्रभावित होने वाला होता है ट्रू लव, यद्यपि रोजी लिप्स एंड चीक्स, दीज वर्ड्स रेफर टू द फिजिकल ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. यद्यपि शारीरिक सौंदर्य, चाहे वो फेशियल ब्यूटी हो और वट एवर मे इट बी, ये सब समय रूपी हसीये के दायरे में आ जाता है, अर्थात समय नष्ट कर देता है इन सारे फिजिकल ब्यूटीज को, फिजिकल चार्म्स को. बट लव इज नॉट टाइम्स फॉर, बट द ट्रू लव स्टैंड्स फॉर, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड. Love cannot be spoiled by the mighty times, even the physical charms, the facial beauties, the beauty of the lips, the charm of the cheeks, all these fall within the range of the time.
विच स्पॉइल्स इट, सारे समय के रेंज में आ जाते हैं, जिसे काट देता है, जिसे नष्ट कर देता है। बट लव इज नॉट टाइम फूल, लेकिन ट्रू लव जो होता है वो समय से प्रभावित ना होने वाला होता है। और कैसा होता है ट्रू लव? अल्टर्स नॉट, लव अल्टर्स नॉट। हिज ब्रीफ आवर्स एंड हिज, हिज जो हिज प्रपोजिशन आया हुआ है, हिज टाइम के लिए आया हुआ है, समय के लिए आया हुआ है। ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स ये इसके यूनिट्स हैं समय के, जो कि चेंज होते रहते हैं, जो चेंजिव है, अल्टरिंग है ये। तो लव अल्टर्स नॉट, ट्रू लव जो होता है वो चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। कैसे? समय के छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, घंटे हैं, सप्ताह हैं, यानी कि परिवर्तनशील जो समय है, उसके साथ ट्रू लव चेंज नहीं होता है। दैट रिमेन्स द सेम, इट इज नॉट, लेट मी टेल यू, डिक्रीज्ड, इट डज नॉट लूज इट्स इंटेंसिटी, it remains intense throughout the period of time, it does not go under the change with the change of hours, weeks, days and so on. तो घंटे, दिन, सप्ताह, इन सब के परिवर्तन के साथ साथ ये चेंज नहीं होता है। फिर कैसा होता है? But bears it out even to the edge of doom. Doom yet stands strong. The death, the ultimate time, are the day of restoration. इसको क़यामत के दिन भी कह सकते हैं. As means to the last point of the time. And that last point of the time is even to the moment of death. But wears it out. True love जो होता है वो अपने आप को बनाए रखता है, कब तक? To the edge of doom, मौत के अंतिम क्षण तक। So the intensity of love remains. The intensity of the emotions of true lover remains even to the last breath of the life. It is not spoil, it does not affect itself with the passage of time. तो first quatrain में हमने ये देखा कि कवि true love के बारे में बताता है, इसके features को और ज़्यादा effectively explain करता है, clear करता है, और last में जो कि इसका complete है, it is more active in its tone. इसमें थोड़ा वो प्रोक्लेम करता है, दावा करता है कि इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, दिस हियर स्टैंड्स फॉर ऑल द आइडियाज, ऑल द फीचर्स दैट द पोएट हैज पॉइंटेड आउट इन द प्रीवियस लाइन्स. पहले के लाइनों में जो आइडियाज बताया है, जो फीचर्स बताया है कवि ने, उसके लिए कह रहा है इफ दिस बी एरर, अगर वो बातें एरर, एरर मीन्स रॉन्ग, एरर मीन्स रॉन्ग, अगर वो सारी बातें गलत हो जाए एंड अपॉन मी प्रूव, और सिद्ध कर दी जाए कि वो सारी बातें गलत हैं, ऑल दोज फीचर्स विच द पोएट हैज टोल्ड इन अर्लियर लाइन्स आर प्रूव टू बी रॉन्ग बाय एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, किसी के भी द्वारा अगर ये गलत सिद्ध कर दिया जाए, तो पोएट प्रोक्लेम कर रहा है, वो दावा कर रहा है, उसका मतलब ये होगा कि आई नेवर रेट नॉर मैन एवर लव, उसका मतलब ये होगा कभी स्वीकार कर रहा है कि अगर वो सारी चीज़ें गलत हो जाए, तो इसका मतलब है कि ना मैंने कभी कुछ लिखा है और ना कभी किसी व्यक्ति ने कभी
किसी से प्रेम किया है. मीन्स सो मच कॉन्फिडेंट इज द पोएट इन पॉइंटिंग आउट द फीचर्स ऑफ ट्रू लव दैट नोबडी कैन प्रूव दोज लव रॉन्ग फीचर ऑफ दोज लव दोज फीचर्स ऑफ ट्रू लव रॉन्ग इफ समबडी हैपेंस टू प्रूव all these things whatever the poet has said wrong it means the poet most firmly accept that neither any person ever loved in this world nor ever he wrote anything in his life about the true love. तो ये एक तरह से explanation हुआ इस poem का और इस explanation के साथ हम अपने इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं. इट इज़ लिटिल लॉन्गर. सो इस पोएम को समझने के लिए वी हैव टू कीप द पेशेंस एंड वॉच थ्रू आउट दिस वीडियो राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द एंड. और एक बार फिर हम आपको बता दें कि अपने व्यूज देना मत भूलिए. I ask all of you to give your view so that I may add something more as per with the requirement. ताकि हम और कुछ आपकी ज़रूरत के हिसाब से कर सकें. ओके गुड बाय देन.